आप ऐसा कुछ भी घर पे और कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्निंग टुडे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाली है। खतरनाक इस वजह से होने वाली है क्योंकि आज उन चीज़ों से हम क्लोरीन गैस बनाएंगे और अभी आप स्क्रीन पर देखिए कि क्लोरीन गैस क्या होता है। क्लोरीन गैस काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है और डेंजरस गैस होता है, उसे डेंजरस गैस माना भी जाता है। और हम क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो ये हार्पिक है, ये मैं वीडियो को मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये ब्लीच है, यह हार्पिक ब्लीच, दोनों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डू नॉट मिक्स विद ब्लीच, इसलिए हम इसे मिक्स करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है हार्पिक पे कि क्लोरीन हैजार्डस गैस निकलेगा, काफ़ी डेंजरस होता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सब कुछ भी घर पे ट्राई करें। तो ये ब्लीच है और ये है अपना हार्पिक, तो हम इसे मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लोरीन गैस जो है उसको एक्सपोजर में अगर ह्यूमन बींग आता है तो उसका मतलब से हेडेक होगा, आई बर्न होगा, फिर स्किन पे अगर स्किन से कांटेक्ट होगा तो स्किन को भी डैमेज होगा। और ज़्यादा टाइम तक अगर आदमी उसके एक्सपोजर में रहता है तो लंग्स को भी डैमेज हो सकता है। तो आप ये सब कुछ भी मत कीजिए घर पे, हम कर रहे हैं तो हम कंट्रोल तरीक़ों से करते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। तो मैं बता दूँ कि क्लोरीन जब भी बनता है और क्लोरीन जब भी होता है क्लोरीन गैस, तो ग्रीनिश येल्लो कलर होता है। ग्रीनिश येल्लो मीन्स येल्लो कलर भी हो सकता है और लाइट ग्रीन जैसा भी हो सकता है, तो उसे हम डार्क में भी देखेंगे। तो चलिए हम इन दोनों को मिक्स करें। सो फ्रेंड्स, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लोरीन गैस को निकालने के लिए। तो जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, ब्लीच और हार्पिक, तो आपको इसमें देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा और जो फ्यूम्स निकलेंगे ग्रीनिश येल्लो टाइप्स के, ध्यान से आप देखेंगे तो ही आपको दिखेगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो मैं इसमें पहले आला डाल देता हूँ, ये ब्लीच है। अब इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, उसके अंदर हार्पिक डालेंगे। रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा शेक करता हूँ उसे, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये वेसल काफ़ी हीट हो गया है यहाँ पर बॉटम से, और उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे भी। ग्रीन कलर आपको दिख रहा, काफ़ी हीट हो चुका है यहाँ पर, हमें स्मेल भी आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कलर येलो कलर, ये है क्लोरीन गैस का इम्पैक्ट स्टील पर, स्टील का वेसल है और ये क्लोरीन गैस का इम्पैक्ट है इसके ऊपर। क्लोरीन गैस का इम्पैक्ट इतना हाई है कि यहाँ पर येलो कलर कर दिया, जिससे कि मैंने आपको बताया कि येलो कलर होता है। मैं आपको फ्यूम्स दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखिए मिक्सर पूरा ग्रीन हो गया है और हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है थोड़ी थोड़ी, और येलो हो गया है, फ्यूम्स निकले थे, बट आप अगर सीन किए होंगे तो आपको दिखा होगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर ऐसी सिचुएशंस आपके सामने होती हैं, जैसे क्या देख रहे हैं येलो हो चुका है यहाँ पर, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने होती हैं, तो आप इसमें बेकिंग सोडा डालिए। बेकिंग सोडा डालने से क्लोरीन गैस न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे अभी देखिए मैं डालता हूँ बेकिंग सोडा, देखिए ये क्लोरीन गैस अभी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब कलर देखिए यहाँ पर इसका है कि नहीं रेडनेश कलर, तो ये रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन का। तो शेक करते हैं इसे, वाह
बाहर आता हुआ ये। पूछला पूछला पूछे तो कोई टाइल्स पे ये नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हम इसको किसी ऊपर के रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा डालने की वजह से यहाँ पर क्या हो चुका है, रेडिश कलर हो गया और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन की तरफ है। स्मोक देखा आपने? अगर स्मोक देखा होगा तो आपने देखा होगा। एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो चुका है, मैंने इसे धो भी दिया है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, मेरे हाथ पे भी येलो येलो लग चुका है। और ये देखिए, जैसे मैंने बताया था क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर होता है, तो इसका क्लोरीन गैस का इम्पैक्ट ये वेसल पे पड़ा है, ये स्टील के मतलब ग्लास पे या जो भी बोलो इसे। आप देखिए, मैं इसके ऐसा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और जो ब्लीच था अंदर, ये काफ़ी सा गंदा हुआ था ब्लीच ने, तो इसका पूरा वही निकाल दिया है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट था। तो आप इसे घर पे या और कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।